दिन के 11:30 बजे एक आदमी अपने होटल से निकलता है और लगभग आधे घंटे में हावड़ा पहुंचता है और वो क्या देखता है कि हावड़ा ब्रिज बंद है, यहाँ तक कि कोई वीआईपी भी नहीं जा सकता। अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो रिक्शे वाले से पूछता है इसका कारण, और आप यकीन मानिए वो कारण सुनकर दंग रह जाता है। आखिर उस रिक्शे वाले ने उसे क्या बताया और क्या हावड़ा ब्रिज पर किसी चुड़ैल का साया है? आखिर 12 बजे ही हावड़ा ब्रिज क्यों बंद होता है और क्या सही में हावड़ा ब्रिज 12 बजे बंद होता है या नहीं, जानेंगे पूरी सच्चाई। वेल, मैं हूं सैम। साल 1862 जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करती थी। राजधानी होने के नाते अंग्रेजों के लिए ट्रेड और इकोनॉमी हर नजरिए से कोलकाता बहुत जरूरी थी और उनका आना जाना कोलकाता में लगा रहता था। लेकिन बार बार कोलकाता आने जाने में ट्रैवलिंग की एक समस्या का सामना अंग्रेजों को आए दिन करना पड़ता था, और वो ये कि हावड़ा और कोलकाता के बीच कम दूरी होने के बावजूद अंग्रेजों को घूमकर लंबा रास्ता अपनाना पड़ता था, क्योंकि इन दोनों शहरों के बीच में हुगली नदी तेज प्रवाह के साथ बहा करती थी। जब आए दिन अंग्रेजों का जमावड़ा बढ़ने लगा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर वो हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी के ऊपर एक पुल खड़ा कर दे तो उस पुल की वजह से दोनों शहरों के बीच में ट्रेवल करने का समय और दूरी दोनों ही बहुत कम हो जाएगी। और कुछ इसी विचारधारा के साथ नींव रखी गई भारतीय इतिहास के सबसे पहले हावड़ा ब्रिज की। इस ब्रिज का आर्किटेक्चर सिंपल था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ गाड़ियों के लिए ट्रेवल करने का रास्ता बनना ही था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद 17 अक्टूबर 1874 के दिन हावड़ा ब्रिज को सभी के लिए खोल दिया गया। शुरुआती दिनों में तो यहाँ भीड़ कम ही थी, लेकिन जब आसपास जनसंख्या बढ़ने लगी और रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से यात्री भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आने लगे तो अंग्रेजी हुकूमत को फिर से इस बात का अंदाजा लगा कि उन्होंने जिस पुल को बनाया था वो था तो बहुत मजबूत, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ज्यादा क्षमता नहीं थी कि वो हद से ज्यादा बोझ उठा सके, जिस वजह से दुर्घटना के आसार होने के कारण पहले ही उससे बचने के लिए हावड़ा ब्रिज को रिप्लेस करके उसे और मजबूत और बड़ा रूप देने की पहल छेड़ दी गई। वैसे अंग्रेज चाहे कितने ही जालिम क्यों ना रहे हैं, लेकिन उनकी एक बात अच्छी थी कि किसी भी दुर्घटना का सिर्फ अंदेशा होने से ही वो लोग बात को इतनी गंभीरता से ले लिया करते थे कि वो कभी खर्चे की चिंता करे बिना चीजों का निर्माण शुरू कर देते थे। और हालांकि एक बात तो ये भी है, वो लोग लगाते तो भारत का ही पैसा थे, तो आखिर वो सोचते भी क्यों? खैर छोड़ो। और यही कारण है कि जहां आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और महंगे मटेरियल के बाद भी सड़कें और बिल्डिंग 10 साल नहीं चल पाती, वही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर 100 साल के बाद भी उसी मजबूती से खड़ा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, साल 1906 के बाद से अलग अलग डिजाइन और प्लान्स के साथ साथ इस पुल को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की पहल छेड़ दी गई, लेकिन हर बार इसके काम में इतनी अड़चने आ रही थी कि क्या कहा जाए। सन 1908 से मटेरियल का इंतजाम करना शुरू कर दिया गया, लेकिन तभी कुछ समय बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिज का काम पूरी तरह से रुक गया। फिर वापस जब 1917 में इसका काम शुरू हुआ तो इसकी बागडोर नए कमीशन को दे दी गई, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक्स क्राइसिस को लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक किसी न किसी अड़चन के आने की वजह से इस पुल का काम बहुत बार रुका और बहुत बार दोबारा चला, जिसके बीच इसकी बागडोर 4 से भी ज्यादा लोगों के हाथ में थामी गई और डिजाइन में ढेरों बदलाव किए गए। हर साल नए संघर्ष के बाद फाइनली जिस पुल को हम आज देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन 1936 में शुरू किया गया और 6 साल बाद वर्तमान समय का हावड़ा ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। पूरी तरह से बन जाने के बाद भी तकरीबन 1 साल तक इंतजार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बन गया तो फिर 1 साल इंतजार क्यों? एक्चुअली कोई भी बड़ा अवसर इस पुल के उद्घाटन के लिए मिल नहीं रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इतनी गंभीर परिस्थितियां बन चुकी थी कि किसी भी अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं था कि वह इस पुल का उद्घाटन कर सके, जिस वजह से 3 फरवरी 1943 के दिन बिना किसी उद्घाटन के इसे जनता के लिए खोल दिया गया। और इसी वजह से यह पूरी दुनिया के सबसे चुनिंदा पुलों में से एक है जिसका कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ, है ना कमाल की बात। इस पुल को जो बात सबसे अविश्वसनीय बनाती है वो ये है कि यह पुल तकरीबन 705 मीटर लंबा है और इसमें 25,000 टन से ऊपर स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने अकेले अपने दम पर उपलब्ध कराया था। इसी बात पे कमेंट में लिखो जय हो टाटा की। अब नॉर्मली जब भी हम लोग सोचते हैं 25,000 टन के पुल के बारे में, जिसके ऊपर से रोजाना लाखों गाड़ियां निकलती हैं, तो कल्पना में यही आता है कि उस पुल को सहारा देने के लिए कम से कम 12 मोटे मोटे खंबे तो लगे ही होंगे, लेकिन यह किसी करिश्मे से कम नहीं थी। लाखों गाड़ियों को अपने ऊपर गुजारने वाला यह हावड़ा ब्रिज सिर्फ और सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, जिसमें से 2-2 खंभे इसके दोनों छोर पर लगे हुए हैं और दोनों छोर के बीच एक भी पतली सरिया का सहारा इसे नहीं मिलता, जो अपने आप में काफी आश्चर्य में डाल देने वाली हकीकत है। लेकिन पता है इससे ज्यादा आश्चर्य में डाल देने वाली हकीकत कौन सी है? वो ये है कि जिस पुल को लाखों टन का वजन कमजोर नहीं कर पाया, वो पुल आज
पान की वजह से कमजोर हो रहा है। आप कोलकाता में कहीं पर भी जाइए, आपको हर 5 में से 2 शख्स के मुंह में पान जरूर मिले, और अगर इतना पान खाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं थूका भी जाएगा, और इसी पान का बस शिकार हमारा हावड़ा ब्रिज बन रहा है। दरअसल हावड़ा ब्रिज के किनारे पर मौजूद दोनों खम्भों में यहाँ से गुजरने वाले लोग आए दिन भारी मात्रा में पान थूका करते हैं, जिस वजह से इसके खम्भों के ऊपर पान के काफी सारे दाग लग चुके हैं, जो समय के साथ साथ इसे कमजोर बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से उड़ने वाले पक्षी भी इस बुरे काम में इंसानों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब भी पक्षी इसके पास से गुजरते हैं तो वो अपनी सारी गंदगी इस पुल के स्ट्रक्चर पर गिरा देते हैं, और पान की तरह ही ये गंदगी भी पुल को खराब कर रही है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हर साल इसकी पुताई और देखरेख पर 15 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करती रहती है, लेकिन यह कुछ ऐसे तत्व हैं जिसे चाहे जितना भी आप रोकने की कोशिश कर लो, इन पर कोई काबू नहीं पाया जा सकता। और यही कारण है कि बढ़ते समय के साथ साथ आज भी इस पुल का आर्किटेक्चर इंसानों की वजह से कमजोर पड़ता जा रहा है, न कि प्रकृति के प्रकोप से। खैर, मुझे कई लोगों ने बताया कि हावड़ा ब्रिज दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, और इसी दौरान इस पुल पर एक भी व्यक्ति नहीं मौजूद होता। फिर चाहे किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को ही अपना काफिला क्यों ना रोकना पड़े। जब मैंने इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मान्यताओं के अनुसार जब यह पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था, तब इसके चीफ इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर्स ने मानो चेतावनी देते हुए अधिकारियों को यह बताया था कि यह पुल कभी भी गिरेगा तो ठीक 12 बजे ही गिरेगा। पहले तो लोगों को मजाक लगा, लेकिन इंजीनियर के चेहरे पर गंभीरता देखते हुए उसकी इस बात पर अमल किया गया। अब समस्या ये आ गई थी कि इस बात को सुनने वाले अधिकारी इंजीनियर से ये पूछना भूल गए थे कि रात के 12 बजे ये पुल गिरेगा या दोपहर के 12 बजे, जिस वजह से उन्होंने कोई भी खतरा ना उठाने की सोची, और इसी वजह से इस पुल को दोपहर और रात दोनों ही टाइम ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है, ताकि इस दौरान अगर पुल कभी भी किसी कारणवश गिरे भी तो भी उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो या किसी की जान ना जाए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, इसका कंफर्मेशन नहीं है कि 12 बजे बंद होता है या नहीं, इसका जवाब आपको वीडियो के आखिरी में मिलेगा। अब ये दास्ता तो वो वाली है जिसके बारे में हमने इंटरनेट पर पढ़ा, लेकिन जिस रिक्शे में वो आदमी बैठा था जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, उसे चलाने वाले भैया ने उसे इसके पीछे की एक अलग ही वजह बताई, जिसे सुनकर वो खौफ में आ गया। रिक्शे वाले ने उसे बताया कि पुल कंस्ट्रक्शन में था, तभी एक दिन वहाँ पर एक महिला मजदूर के सिर पर किसी औजार की वजह से भारी चोट आ गई और उसे तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत पड़ गई। अफसोस कि वहाँ पर मौजूद ब्रिटिश सुपरवाइजर ने महिला की जान को पुल बनने के समय से सस्ता समझते हुए उसे अस्पताल ले जाने तक से मना कर दिया, और उसकी मरहम पट्टी करने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब तक दिन की मजदूरी खत्म हुई तब तक महिला अपना दम तोड़ चुकी थी, लेकिन एक महिला की हत्या करने के बाद भी ब्रिटिश सुपरवाइजर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, और उसने महिला को पुल से नीचे हुगली नदी में फेंक दिया और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। बस फिर क्या था, मोक्ष ना मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि वो महिला तब से उसी पुल पर भटकती है, और चूंकि उसकी मौत 12 बजे हुई थी इसलिए उस पुल पर अगर कोई 12 बजे निकलता है तो उस महिला की प्रेत आत्मा जाग जाती है और उस पुल पर से गुजरने वाले लोगों पर असर दिखाने लगती है। अब इन दोनों बातों में से कौन सी बात सच्ची है ये तो पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट में जाते जाते जब मैंने अपने मामा से इसके बारे में पता लगाया, जो कि कोलकाता में ही रहते हैं, जिनका हावड़ा डेली आना जाना है, तो उन्होंने यही कहा कि ये सारी कहानियां ढकोसलेबाजी है। अब सवाल ये आता है कि जब ढकोसलेबाजी है तो सच्चाई क्या है, तो इसका जवाब यही है कि मैं खुद अब कोलकाता जाऊंगा और इसकी पूरी डिटेल में पता लगाऊंगा और फाइनली आपको पोस्ट में इसकी जानकारी मिल जाए। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या वाकई किसी इंजीनियर की भविष्यवाणी इस खौफ का कारण है, या किसी अबला महिला के प्रेत आत्मा ने इस डर को पैदा किया है? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।